जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की बाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं। मैं आपको परेशानी से दूर होने के उपाय जरूर बताऊंगी। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म का समय जरूर बताएं। आपकी जरूर मदद की जाएगी। आज मैं आपको टी नाम के लड़के और लड़कियों की कब और किससे शादी होगी, किससे शादी करनी चाहिए, उनका स्वभाव और जल्दी शादी करने के उपाय बताऊंगी। तो आइए पहले स्वभाव जानते हैं। टी नाम के लड़के और लड़कियां रिश्ते को काफी सम्मान देते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग के मामले में इनके अंदर हिचक होती है। इनको अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के अलावा ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है। इनमें एक बड़ी ही खूबी होती है कि यह काम में छोटा या बड़ा नहीं देखते, जो भी काम करते हैं उसके प्रति समर्पित होते हैं और अपनी लगनशीलता से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यह हिम्मत वाले होते हैं, किसी भी चुनौती का सामना बड़े धैर्य से करते हैं। जरूरत के समय जब भी कोई इनसे मदद मांगता है तो अपनी क्षमता अनुसार उनकी पूरी मदद करते हैं। टी नाम के लड़के और लड़कियों की शादी 26, 29 अथवा 31वें साल में होती है और इनकी शादी जुलाई, अक्टूबर तथा नवंबर महीने में होती है। टी नाम के लड़के और लड़कियों की शादी बी, एन तथा सी नाम से शादी होती है। टी नाम के लड़के और लड़कियों को मिथुन राशि से शादी करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम संबंध बना रहता है। टी नाम के लड़के और लड़कियों को शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देने से शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे।